लीजिए। राहुल दिन रात हिंदुत्व को कोसते रहते हैं और योगी गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं। आखिर क्यों उठा हिंदू और हिंदुत्व का मुद्दा? 12 जनवरी 1863, यही वो दिन और साल था जब पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक ऐसे शख्स का जन्म हुआ जिनका नाम था नरेंद्रनाथ, जो महज 25 साल की उम्र में ही घर परिवार त्याग कर सन्यासी बन गए और उनका नया नाम पड़ा स्वामी विवेकानंद, जो एक ऐसे सन्यासी थे जिन्होंने सनातन धर्म का परचम हिंदुस्तान ही नहीं, 7 समंदर पार अमेरिका तक लहराया और फिर इसी अमेरिका के शिकागो में हिंदू और हिंदुत्व पर ऐसा भाषण दिया जिसे आज भी लोग गर्व से सुनते हैं। क्योंकि स्वामी विवेकानंद के इस ऐतिहासिक भाषण ने पूरी दुनिया को हिंदू धर्म से परिचय कराया था। ऐसे महान सन्यासी स्वामी विवेकानंद ने 4 जुलाई 1902 के दिन इस दुनिया को अलविदा कह दिया और आज यानी 4 जुलाई को उनकी 121वीं पुण्यतिथि है। ऐसे महान सन्यासी को उनकी पुण्यतिथि पर यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ याद न करें, ऐसा भला कैसे हो सकता है? भगवाधारी महंत योगी आदित्यनाथ ने तो उनकी पुण्यतिथि पर हुंकार भरते हुए कहा, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। दरअसल देश भर में आज आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद की 121वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है, क्योंकि आज ही के दिन 1902 में पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्वामी विवेकानंद ने हावड़ा के बेलूर मठ में अपनी देह त्याग दी थी। उनकी पुण्यतिथि पर देश भर की तमाम दिग्गज हस्तियों ने उन्हें याद किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक ट्वीट में लिखा, स्वामी विवेकानंद जी ने गौरवशाली व समृद्ध भारतीय संस्कृति से पूरे विश्व को परिचित कराया। उन्हें देश की युवा शक्ति पर बहुत विश्वास था। उनका मानना था कि युवाओं के चरित्र निर्माण और उनमें राष्ट्रभक्ति के विचार पल्लवित कर ही एक महान राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। ऐसे महान विभूति को उनके निर्वाण दिवस पर चरण वंदन करता हूँ। उनके विचारों को अपने जीवन में चरितार्थ करना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को विश्व भर में ख्याति दिलाने वाले महान विचारक एवं युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटि-कोटि नमन। अमेरिका के शिकागो की धर्म संसद में वर्ष 1893 में दिए गए उनके ऐतिहासिक भाषण के कुछ अंश जो आज भी बेहद प्रासंगिक हैं, सांप्रदायिकताएं, कट्टरताएं और इसके भयानक वंशज हट धर्मिता लंबे समय से पृथ्वी को अपने शिकंजों में जकड़े हुए हैं। इन्होंने पृथ्वी को हिंसा से भर दिया है। कितनी बार ही ये धरती खून से लाल हुई है, कितनी ही सभ्यताओं का विनाश हुआ है और न जाने कितने देश नष्ट हुए हैं। अगर ये भयानक राक्षस नहीं होते तो आज मानव समाज कहीं ज्यादा उन्नत होता, लेकिन अब उनका समय पूरा हो चुका है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज इस सम्मेलन का शंखनाद सभी हठ धर्मिताओं, हर तरह के कलेश, चाहे वो तलवार से हो या कलम से, और सभी मनुष्यों के बीच की दुर्भावना का विनाश करेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लिखा, महान विचारक एवं युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी के निर्वाण दिवस पर उन्हें कोटि-कोटि नमन। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने स्वामी विवेकानंद को याद करते हुए लिखा, अपने विचार और प्रभावी भाषण से स्वामी विवेकानंद जी ने पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति और परंपरा की छाप छोड़ी। ऐसे महान विचारक और युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि पर उन्हें सादर नमन। बात कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी की करें तो ये वही राहुल गांधी हैं जो हिंदुत्व को कोसा करते हैं और उसे हिंदू धर्म से अलग बताया करते हैं। यकीन न हो तो खुद सुन लीजिए। हिंदुत्ववादी और हिंदू के बीच में फर्क है। मैं आपने आपको ये भाषण क्यों दिया? क्योंकि आप सब हिंदू हो, हिंदुत्ववादी नहीं। और ये देश हिंदुओं का देश है, हिंदुत्ववादियों का नहीं। और आज अगर इस देश में महंगाई है, दर्द है, दुख है, तो ये काम हिंदुत्ववादियों ने किया है।
हिंदू और हिंदुत्व को एक दूसरे से अलग बताने वाले राहुल गांधी आज स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर लिख रहे हैं। पूरे विश्व को उन्होंने निडरता का पाठ पढ़ाया, करुणा का मार्ग दिखाया और भाईचारे की सीख दी। महान आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद जी को उनकी पुण्यतिथि पर सादर नमन और श्रद्धांजलि। ऐसे तमाम नेताओं ने स्वामी विवेकानंद को उनकी पुण्यतिथि पर कुछ इसी तरह से याद किया, तो वहीं यूपी के मुख्यमंत्री भगवाधारी योगी आदित्यनाथ ने जरा अलग अंदाज में स्वामी विवेकानंद को याद किया। उन्होंने अपने ट्वीट की शुरुआत ही गर्व से कहो हम हिंदू हैं से की और लिखा, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। भारत की आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने वाले युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। आपने आधुनिक विश्व को भारतीय संस्कृति की विराटता से परिचित कराते हुए हम सभी का अपनी सनातन संस्कृति के प्रति सदैव कृतज्ञ व गौरवान्वित रहने का आह्वान किया। आपका संपूर्ण जीवन हम सभी के लिए एक मार्गदर्शिका है। ये कोई पहली बार नहीं है कि सीएम योगी ने स्वामी विवेकानंद को याद करते हुए उनके वक्तव्य गर्व से कहो हम हिंदू हैं का जिक्र किया हो। इससे पहले जब इसी साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की 160वीं जयंती मनाई जा रही थी, तो उस दिन भी सीएम योगी ने उन्हें याद करते हुए कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। सनातन संस्कृति व भारतीय आध्यात्म परंपरा को वैश्विक क्षितिज पर पुनर्स्थापित करने वाले महान सन्यासी युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। सभी युवा साथियों को राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दें, सीएम योगी स्वामी विवेकानंद को याद करते हुए गर्व से कहो हम हिंदू हैं का जिक्र दरअसल इसलिए करते हैं क्योंकि स्वामी विवेकानंद अपने जीवन काल में हिंदू धर्म का परचम लहराने में कभी पीछे नहीं रहे। उन्होंने तो अमेरिका के शिकागो में जाकर दहाड़ते हुए कहा था, मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहिष्णुता पर ही विश्वास नहीं करते, बल्कि हम सभी धर्मों को सच के रूप में स्वीकार करते हैं। ऐसे महान सन्यासी और आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद को उनकी पुण्यतिथि पर याद करते हुए सीएम योगी ने जिस तरह से कहा है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। हमारा देश सुरक्षित हो, हमारे मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा हो, किसी कालखंड में अगर हमारे धर्मस्थलों को अपवित्र किया गया है, उनकी पुनर्स्थापना का एक अभियान चले और इस अभियान का क्रम आज आप देख रहे होंगे। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आज पूरा होने जा रहा है। आप सभी श्रद्धालुजनों ने भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया। आज भारत की भावनाओं के अनुरूप भारत का राष्ट्रीय मंदिर भगवान राम के भव्य मंदिर के रूप में स्थापित हो रहा है। तो वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष अगर कोई कर सकता है, हमारा सनातन धर्म ही कर सकता है। और सनातन धर्म के साथ छेड़छाड़ करने का मतलब मानवता के जीवन के साथ खिलवाड़ करना है। जो लोग अवैध धर्मांतरण के माध्यम से राष्ट्रांतरण की कुत्सित मंशा के साथ भारत के अंदर कार्य करना चाहते हैं, उनकी मंशा कभी सफल नहीं होने वाली है, कभी सफल नहीं होने वाली है। क्योंकि अब तो ये जागृत समाज उठ खड़ा हुआ है, आज हम उठ खड़े हुए हैं।